गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल मनस मॉम ऑफिशियल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं किचन से अभी आ रही हूँ और अभी बज रहा है 12, आप लोग देख सकते हैं 12 बज रहा है, थोड़ा फास्ट है 10 मिनट। तो मेरा सारा खाना वगैरह कंप्लीट हो चुका है। बहुत मतलब इतना मतलब प्रेशर पड़ गया है मेरे ऊपर जब से कुकिंग का ये करने लगी हूँ बहुत। और मेरा कोई भी काम स्पीड में करने का हैबिट है तो इसके चलते मतलब इसको स्लो प्रोसेस में करना पड़ा है, बिकॉज उसको सूट करने का चक्कर में बहुत टाइम लग जा रहा है। और मैं मल्टीपर्पज़ काम करती हूँ, मैं किचन में काम करके रूम का भी बहुत सारा काम कर लेती हूँ, बच्चे लोगों को भी हैंडल कर लेती हूँ। बट ये सूट करने के चक्कर में मेरा क्या हो रहा है कि प्रॉपर नॉनस्टॉप वहीं पे रहो, सूट करो, कैमरा का एंगल सेट करो। मतलब मैं बोलती हूँ ये बहुत टफ काम है सूट करना, बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा। मैं एकदम मतलब टायर्ड हो जाती हूँ और टेंशन रहता है कि हाँ कल क्या बनाना है बोल के। हाँ नॉर्मल चीज़ मैं शेयर कर सकती हूँ, ऐसा नहीं है, बट अब क्या बोलूँ, डेली अलग अलग शेयर नहीं करूँगी फिर अच्छा भी नहीं लगेगा। तो और ऐसे भी मेरे घर में दो सब्जी तो हमेशा बनता ही बनता है, बट वो सूट करने के चक्कर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जा रहा है मेरे को लिए। कैसा बना है? बहुत बढ़िया, टेस्टी हुआ है। कौन सा टेस्टी हुआ सबसे ज़्यादा? सबसे ज़्यादा टेस्टी हुआ है तुम्हारा चोखा, भरुआ, आलू फूलगोभी, दाल। थोड़ा डिफरेंट टाइप का बना कर लेगा भरुआ। इस टाइप का पसंद है कि जो वाला बनता है जो पुराना स्टाइल वो पसंद है? ये अच्छा लग रहा है, ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है ना। और अब बिलीव नहीं कर, मैं चार चार खा ली हूँ करेला का भरुआ, बहुत ज़्यादा खा ली, इतना टेस्टी लगा ना, मज़ा आ गया खा के एकदम। तो आप लोग को वो मेरा रेसिपी, फुल रेसिपी, एक एक रेसिपी मेरा सब आपको मेरा कुकिंग वाला चैनल में मिल जाएगा, मनस मॉम किचन में। तो आप लोग जाके देखिए फिर आप लोग को मिलेगा। इसलिए मैं इसमें कुछ भी शेयर नहीं करती हूँ, मैं सोचती एक एक चीज़ मैं दोनों में सेम दिखाऊंगी तो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, इतना इंटरेस्ट नहीं रहेगा देखने का। तो आप लोग उसमें जाइए और देखिए और मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और सब्सक्राइब प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए। और सपोर्ट का बहुत ज़रूरत है आप लोग का, अगर सपोर्ट नहीं करेंगे तो मेरे अंदर इतना ज़्यादा मोटिवेशन नहीं मिलेगा। हाँ की आंटी बोलें आपको अच्छा लगा ना गाइस? आज नहीं गई मैं इवनिंग वॉक करने, और आज जिम गई थी मैं और बहुत थक गई हूँ। आप लोग सोचते हैं मैं हमेशा एक ही बात बोलती हूँ, बहुत थक गई, सच में मैं बहुत थक जाती हूँ, इसलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोग से, बहुत थक गई हूँ। और नाइट रूटीन वगैरह सब कुछ हो चुका है और अभी मैं किचन से आई हूँ तुरंत। इनको प्रोटीन, कुछ प्रोटीन लेना था तो बोले कि कुछ प्रोटीन में बनाओ, तो मैं बोली दाल बना देती हूँ बिकॉज मुझे मन नहीं करा था कुछ भी करने का। मैंने चिल्ला बना देते हूँ, बोलते नहीं ऐसा मूड नहीं है खाने का, कुछ और बनाओ। तो मैं बोली ठीक है पनीर लेके आई, कुछ मैं बना देती हूँ। पनीर चीज़ मंगवाई और पनीर चीज़ मंगा के क्या बनाई आप लोग, एकदम ईजी है वो, 2 मिनट में बनने वाला चीज़ मैं बनाई हूँ पनीर और चीज़ का। तो आप लोग मेरे चैनल पे जाके देखिए मनस मॉम किचन में, आप लोग को आज तो नहीं कल मिलेगा देखने के लिए, वो कल मैं शेयर करूँगी उसमें क्या दिखा रहा है इसमें। और आजकल सिर्फ आप लोग से बात ही हो पा रहा है और कुछ भी नहीं, बाहर निकली नहीं, कुछ सामान वगैरह लाने जाना तो वो सब भी नहीं लेकर। कल पता है बहुत कुछ ले रहा है मार्केट से जाके, मतलब सॉरी वहाँ से ग्रोसरी मॉल से बहुत कुछ लेना है, मिश्री वगैरह जैसे जीरा वगैरह सब कुछ ख़त्म हो चुका है। और बस नींद ही आ रहा है, बच्चा लोगों को खिलाए बिना, फिर किचन में थोड़ा बहुत काम है वो सब करे बिना, फिर मतलब एक घर में जो रहता है हाउस वाइफ उन लोगों को भी पता है कि किचन का अगर काम कुछ पड़ा हुआ है तो नींद नहीं आ सकता है। तो वही हाल मेरा है अभी, तो किचन में कुछ काम पेंडिंग पड़ा हुआ है वो सभी जाके करना है मुझे जाके, और दिन भर तो ऐसे ही चला जाता है। और आज जिम में क्या हुआ कि मैं जिम में गई और बच्चे वालों का कॉल आ गया, मतलब तो जिम अच्छे से हो भी नहीं पाया और थक भी गई, मन भी नहीं होता है कभी कभी, पता नहीं क्या, जिम स्टार्ट कर दी हूँ बट एक एनर्जी ही नहीं मिल रहा है बॉडी में, एक नींद अच्छे से प्रॉपर नहीं हो पा रहा है, फिर मॉर्निंग वॉक के इतना सारा काम वगैरह, क्या बोलूँ मैं आप लोगों के साथ। मैं अपना दुख शेयर करती हूँ तो अच्छा फील होता है, इसलिए मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ दुख कि आप लोग कम से कम समझेंगे। क्या हो बेटा नींद आ रहा है? कुछ खाया पिया नहीं है बच्चा तुम तो, कुछ नहीं खाएगा सुना
नहीं खाएगा। और यहाँ पे वैकेशन बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, पूजा का वैकेशन आपका ये कब थे? मन्नत का कब है वैकेशन? मन्नत का वैकेशन कब है? मन्नत का वैकेशन ही चल रहा है हम लोग का जब नहीं नहीं वो तो मंकी पॉक्स की वजह से। हाँ मंकी पॉक्स की वजह से ऐसे 8 तारीख से इसको स्टार्ट है मन्नत को, राधे का 5th से। राधे का 5th से स्टार्ट, राधे का जल्दी होगा ना। और पता नहीं कहीं मन कर रहा है, कहीं घूम के आया ऐसा फील हो रहा है, मतलब कहीं घूमने जाने का मन कर रहा है तो ऐसा जाए घूमने, बट नहीं निकल पाएंगे हम लोग। अपने कलश स्थापना भी होता है घर पे, तो फिर निकलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैं कभी भी बोल दूंगी इनको कि हाँ चाय बना दीजिए या फिर चाय छान दीजिए, तो पता नहीं क्या, देखिए यहाँ पे चाय कितना गिरा, मतलब कभी भी चाय बनाने वाला काम तो करते हैं नहीं। अगर पीने का भी मन किया तो बाहर से इनका मूड होता है पीने का, तो एक दिन अगर छानने को भी बोल दूँगी तो ऐसे चाय पूरा गिरा देते हैं। और अभी रात का बज रहा है 12:30, तो लाइट ऑफ रखी थी मैं, ऑयलिंग करा रही थी बेटी से मैं। उसके बाद ये नेक्स्ट डे का है, ये यहाँ मतलब जिम से मैं घर लौट रही हूँ अभी। और वेदर देखिए कितना मस्त वेदर होके रखा है। से आने के बाद मैं घर पे सत्तू का लिट्टी बना रही थी, तो यहाँ पे बेटी मेरा सूट कर रही थी थोड़ा थोड़ा, बहुत ज़्यादा नहीं। उसके बाद फिर रात का डिनर भी रोटी वगैरह बनाई, बहुत कुछ बनाई रात में तो। और मुझे दाल तड़का खाने का बहुत मन कर रहा था, तो मतलब बाहर का ही मन कर रहा था खाने के, एक जगह का है यहाँ पे बहुत ही मस्त मिलता है, तो मैं मतलब अपने हस्बैंड से बोली थी कि वहाँ से लेके आइएगा जब जिम्बर से आइएगा, तो वो बोले ठीक है लेके आएंगे। हो गया रहते पढ़ाई कंप्लीट? नहीं, ये पढ़ाई कर, मैं अभी किचन से आई, सत्तू का लिट्टी मैं बनाई हूँ, बिकॉज अब तो प्याज लहसुन बंदी हो जाएगा घर पे, तो मैं सोच चलो बना लेती हूँ। और मतलब राध्या ऑफ कर दो फैन। और हम लोग के यहाँ मतलब जैसे नवरात्र स्टार्ट होता है आपका, तो फिर फ्राई भी नहीं होता है। मैं देखी हूँ बहुत जन के घर में नवरात्र स्टार्ट होने से दे मतलब बड़ा वगैरह फ्राई हो जाता है सेना नमक में या फिर कुछ भी, हम लोग के यहाँ नहीं होता है। मतलब माँ बोलते कढ़ाई नहीं बैठाना चाहिए, जब तक माता रानी का भोग नहीं बनेगा तब तक कढ़ाई नहीं बैठता है। तो मैं सोच चलो जब तक कढ़ाई नहीं बैठता तो मैं बना लेती हूँ 2-3 दिन, उसके बाद से कल तो मोहल्ला है ही, परसों कलश स्थापना होगा आपका। और मैं आज ना इनसे मैं बोली कि आज आप एक है हम लोग के घर के साइड में जो कि तड़का, वहाँ बहुत ज़बरदस्त तड़का मिलता है, बहुत ज़बरदस्त तड़का, वहाँ का तड़का खाने के बाद मन एकदम बहुत अच्छा, मतलब एक बार मैं व्रत थी शायद, हाँ व्रत थी तब ये लेके आया था तड़का अपने लिए, तब से मेरा मन हो रहा है कि हाँ मैं किसी दिन मंगाऊँगा। और इतना ज़्यादा खाना हो जाता है घर पर कि कभी मंगा नहीं पाती, तो मैं सोचा आज नहीं आज मंगाऊँगी, रोटी खाऊँगी कि नवरात्रि स्टार्ट हो सब कुछ बंद हो जाएगा फिर। और आज मैं जिम गई थी, तो जिम में उतना कुछ नहीं की, थोड़ा बहुत की, फिर आ गई घर। और आज का वेदर भी बहुत ख़राब हो गया था, 2 दिन तक धूप हुआ, आज फिर बारिश हो गया था। तो बस वैसे आप लोग से बात कर लेती हूँ, मेरे पति देव जी आते हैं तो फिर मैं फटाफट से रोटी सेकूँगी, सत्तू का लिट्टी बना के रख चुकी हूँ, उनको ठंडा पसंद है, चाय के साथ ठंडा ही पसंद करते हैं, तो आएंगे तो रोटी बस मैं बनाऊंगी गरम गरम। और मॉर्निंग में सब्जी बनाई थी 2 टाइप का, वो सब मेरे चैनल पे आपको देखने को मिलेगा मन्नत मॉम किचन में, जाके देखिएगा उसमें सब कुछ आपको मिल जाएगा देखने के लिए। अब हम लोग निकल गए नाइट वॉक पे, और हम लोग का यहाँ बंगाल में दुर्गा पूजा का इतना मस्त मतलब लगता है ना, ये टाइम जो होता है दुर्गा पूजा का, मतलब लगता है पूरा शहर दुल्हन जैसा सजा रहता है, तो मतलब बहुत अच्छा लगता है रात में निकल कर ही करने निकली, बट वो भी नहीं हो पाया आज, इतना स्पीड में बारिश होने लगी, तो फिर वापस घर आ गई और फटाफट से जा रहे हैं रोटी बनाने और तड़का रोटी खा जाए हम लोग सबको मिलकर, उसमें चाय लगाऊँगी। अभी रात का बज रहा है 10:30 और हम लोग निकल रहे हैं चाय पीने, जो कि लास्ट संडे को हम लोग निकले थे, लेके जा रहे हैं आउच बेटा को लेके जा रहे हैं, कुछ काम वगैरह था घर में, उसको काम वगैरह हो चुका है, तो ये उसके पापा का ही मन था कि चलो बाहर चल के चाय वगैरह पिया जाए। और हम लोग का नाइट ड्राइव मतलब अच्छा लगता है, नाइट ड्राइव और राइड हो जो भी हो अच्छा लगता है। बस हम लोग निकल गए। हाँ और
और उस कैफ़े से थोड़ा दूर में ही मतलब गाड़ी को पार्क करना पड़ता है बिकॉज सामने उतना स्पेस नहीं है पार्क करने का और प्रॉब्लम होता है गाड़ी निकालने में। उस टाइम मतलब टाइम नहीं देखी थी वैसे सारे दिन जल्दी, बट अभी हो रहा है 11:15 हो रहा है और जहाँ हम लोग जा रहे हैं चाय पीने वहाँ मतलब वो 24 आवर्स ओपन रहता है वो कैफ़े आपका। और सबसे मतलब हम लोग पता नहीं थे जी इतना अच्छा कैफ़े है, हम लोग हमेशा मतलब चाय वगैरह पीने का मन करता है, कुछ खाने का मन करता था तो हम लोग नहीं वो पकाते थे बट हम लोग। और आपका ये कैफ़े गांगुली कैफ़े मतलब बहुत ज़बरदस्त यहाँ का चाय है, तो कितना भीड़ था आप लोग देख सकते थे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे चाय का ऑर्डर दे चुके हैं और यहाँ पे बेटा का बात हो रहा था, बेटा सूट कर रहा था तो ये मेरा भाई बोल रहा था कि सूट कर लेता है क्या, तो हम लोग हाँ पुणे में तो बहुत सूट करता था। और यहाँ पे आगे हम लोग का स्पेशल चाय एक बिस्किट के साथ में। गाइस हम लोग आगे चाय पी के, और आप लोग सोचते हैं इतना रात में क्या चाय का क्रेज रहता है बाहर का, मतलब कहीं कहीं चाय अच्छा होता है और कहीं कहीं बैठ के अच्छा लगता है तो हम लोग निकल जाते हैं। हम लोग का तो और कुछ का शौक है नहीं, चाय का ही शौक रहता है तो रात में निकल जाते हैं हम लोग पीने और बहुत अच्छा लगता है कोई कोई जगह ऐसा। और अब पूजा का टाइम आ रहा है, पूजा के टाइम तो जितना बाहर निकलो उतना ही अच्छा लगता है। और हम लोग का मतलब दुर्गा पूजा में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत ही मज़ा। एक तो मतलब आपका पंचमी से मैं बोल रही थी पंचमी षष्ठी, यहाँ पे बंगाल में षष्ठी बोलते हैं, सप्तमी अष्टमी नवमी इतना दिन रहता है पूजा, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और सबसे बड़ा घर में कलश स्थापना होगा तो वो एक अलग ही माहौल रहेगा, अच्छा लगता है उस टाइम में भी बहुत। दिन भर सुबह से लेकर रात तक पूजा पाठ इधर घूमना फिरना लगा रहता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब टाइम आ रहा है हम लोग साड़ी पहनने का, डेली मॉर्निंग में पूजा टाइम में साड़ी पहनेंगे। और आज मैं बेटी को नहीं लेके गई थी, बेटी पूरा रो रही थी। क्यों रो रही थी बेटा? तुम तो गई थी ना संडे को, हम लोग तो उससे चाय पी खाए, बेटा तो कुछ नहीं खाया, पूछो भाई से कुछ भी नहीं खाया, कुछ खाया बेटा? और गाइस अभी रात का बज रहा है 12:30, हम लोग अभी तक कोई नहीं सोए हैं तो बस जा रहे हैं अब सोने। तो सोची मैं एडिटिंग वगैरह कर लेती हूँ फिर सो जाऊँगी। सो गाइस मैं ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल मिलती हूँ न्यू ब्लॉग के साथ। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। बाय, गुड नाइट। और अब सच में मैं अपने फेस के ऊपर ध्यान दूंगी, मॉर्निंग में बहुत कुछ पीती थी, नाइट में पीती थी, सब कुछ छोड़ चुकी हूँ, सब वापस स्टार्ट करना है, तो मैं सोची आप लोगों को बता दूँ ये बात।